गुना जिले के कलेक्ट्रेट में मंगलवार को अनोखी मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई का है, जहां एक अफवाह पर 300 से 400 ज्यादा महिलाएं लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जिसके चलते कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी असमंजस में पड़ गए। आपको बता दें कि अलग अलग माध्यमों से यह अफवाह उड़ रही है कि लाडली बहना के फॉर्म फिर से भरे। कुछ ऑनलाइन सेंटरों ने भी इस अफवाह को हवा दी, जिसके चलते आज गुना कलेक्ट्रेट में लाडली बहनों का फॉर्म भरने को लेकर काफी जमावड़ा हो गया, जिसे देखते हुए महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने मोर्चा संभाला और उन्होंने सभी महिलाओं को बताया कि वर्तमान में लाडली बहना योजना के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, शासन की ओर से इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए है। जब भी संबंधित निर्देश प्राप्त होंगे, सभी हितग्राहियों को प्रचार प्रसार के माध्यम से सूचित किया जाएगा और शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सभी महिलाओं से निवेदन है कि आवेदन के संबंध में परेशान न हो। गुना से प्रताप सिंह प्रभाकर की रिपोर्ट। मैं सभी से आपसे निवेदन करता हूं कि वर्तमान में शासन के ऐसे कोई निर्देश नहीं है कि हम लाडली बहना योजना के आवेदन स्वीकार करें, है ना, ना ही ऐसे कोई ऑनलाइन है। जब भी शासन के निर्देश आएंगे पोर्टल चालू होगा, हम उचित प्रचार प्रसार के माध्यम से आप सभी तक सूचनाएं पहुंचाएंगे। जो भी शासन के निर्देश होंगे, जो भी शासन जिस प्रक्रिया का पालन करने का निर्देशित करेगी, हम उसी प्रक्रिया से जैसे पोर्टल खुलेगा तो आपके आवेदन तभी लिए जाएंगे। जब तक आपके आवेदन भरना संभव नहीं है, आप इस बात को समझिए, परेशान मत होइए, ये कागज तो जलाने कोई फायदा नहीं है, मत दीजिए।